बिताने वाले हैं अपना पहला दिन गोवा के अंदर। पानी हमारा प्यार है, पानी हमारा जान है, पानी से ही तो हम है, पानी से पूरा संसार है। जिग्नेश भाई कैसा लग रहा है गोवा में? अकेले आके मजे ले गया है साले। Oh my God, you can see how much beautiful this is, man. साहिल खान साहब की बहुत सारी पिक्चरें और बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर है लास उलास के ऊपर। तो यहाँ पर चल रही है रेंडरिंग की प्रोसेस, रेंडर हो चुका है, अभी वीडियो अपलोड हो रहा है, इसलिए कल का ब्लॉग थोड़ा सा लेट आया था। यहाँ पर देखो हमारा पूरा सामान रखा हुआ है, ये देखो। अरे अबे ओ उठ, वी आर इन गोवा मैन, उठ, अबे एंजॉय करने का है, चल, अबे जीगा, अबे सो मत, अबे उठ। अरे भाई जिग्नेश उठ यार, वी आर इन गोवा, गोवा में फुल एंजॉय करना है, जितना हो सके उतना टाइम को स्पेंड करना है बीचेस के पास, अबे चल उठ उठ भाई, अबे ऐसा मत कर, ओए ओए चल चल चल। एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले ना वाईफाई भी चला गया था, जिस वजह से हम लोग अपलोड नहीं कर पाए टाइम पे वीडियो को, लेकिन अभी अपलोड हो गया है और अभी अपन फाइनली निकलने वाले बीचेस के लिए। अरे भाई चल, ऑडियंस को दिखाने का है, चलो भाई। ओ जीगा, ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा रेडी हो गया हूँ और अभी थोड़ी ही देर में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, बिताने वाले हैं अपना पहला दिन गोवा के अंदर। तो अभी देखते हैं कि ये पहला दिन कैसा जाता है। फिलहाल तो मैं रेडी हो गया हूँ, लेकिन जिग्नेश भाई अभी थोड़ा सा प्राइवेट काम करने के लिए गए हैं। आप समझ जाए करो, विशु फैन आप लोग तो पता है क्या काम हो सकता है, वो काम निपटाने के लिए गए। जैसे ही वो बाहर आता है वैसे ही अपन यहाँ से निकलेंगे और पहुंचेंगे हमारे पहले 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 गोवा के डेस्टिनेशन पे। अच्छा लग रहा हूँ ना, अच्छा लग रहा हूँ, ये वही कपड़ा है जो मैं वहां से लेके आया था ना, आप लोगों को दिखाया था पिछले ब्लॉग्स के अंदर। जी हाँ, वही कपड़ा है, अच्छा लग रहा ना, थोड़ा तारीफ कर देने का यार, थोड़ा सा तारीफ कर दिया करो। ओके चलो, अभी पहले डेस्टिनेशन पे तुरंत पहुंचेंगे। चलो देखिए, तो ये जो स्कूटी है ये हमने ली है यहाँ से, फेसिनो है, तो 400 रुपीज पर डे में ये स्कूटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। हमने 3 दिन के लिए ली है क्योंकि हम लोग 3 दिन यहाँ पर रुकने वाले हैं। और अभी जिग्नेश भाई जो है वो इसे निकाल रहे हैं, सबसे पहले प्लान है कि फोर्ट में जाने का, तो यहाँ से अपन फ्यूल अप कर लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं अगोड़ा फोर्ट में, जो सामने आपको फोर्ट दिख रहा है ना, ये अगोड़ा फोर्ट है जो कि एकदम ही एंड में पड़ता है। इसके ऊपर चढ़ के अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ से एकदम सी दिखेगा, ओशन ओशन पूरा क्लियर दिखेगा और देखने में मजा आएगा। तो अभी अपन यहाँ पर आ गए हैं, गोवा वाले लुक में आ गए एकदम, मैं भी एकदम गोवा वाले लुक में हूँ। अभी अपन ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं ऊपर से कैसा दिखता है। चलो तो हम लोग अभी आ चुके हैं सिकेरियम बीच पे। एक और चीज मैं आपको यहाँ की बता दूँ गोवा की, कि अगर आप कहीं भी पार्क करते हो ना गाड़ी को, तो वहाँ पर पार्क करने का आपको 50 रुपीज चार्ज लगता है। तो अगर आप यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो, विजिट करने का प्लान कर रहे हो, तो याद रखना यहाँ पर विजिट करने पे आपको हमेशा हमेशा आपको कैश रखना है। ऑनलाइन की सुविधा यहाँ पर ज्यादा नहीं है, तो आपको कैश रखना ही रखना है। एंड इसके साथ साथ पार्किंग पे 50 रुपीज यहाँ पर लिया जाता है, तो उस हिसाब से अपनी ट्रिप प्लान करना भाव। फिलहाल तो ये देखो, ये अमेजिंग इंटरनेशनल वाटर्स, और अभी आए हैं अपन सिकेरियम बीच को एक्सप्लोर करने के लिए, मजा आ जाएगा बॉस। अभी अपन अंदर चलते हैं। तो दिस इज सिकेरियम बीच, ओ माय गॉड, और ये देखिए अमेजिंग सा बीच। हाय 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 हाय, जिग्नेश भाई कैसा लग रहा है बीच के सामने एकदम खड़े होगे? अरे भाई 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 भाई, पानी पानी हमारा प्यार है, पानी हमारा जान है, पानी से ही तो हम है, पानी से पूरा संसार है। हाय 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 हाय, वो फैमिली जा रही है। हाय 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 हाय, अरे भाई ड्रिफ्ट मार रही है साले, ओए ड्रिफ्ट मार रहा, देख रहे हो? भाई 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 भाई, पानी 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 पानी, क्या बात है क्या बात है, मजा आ रहा है मजा आ रहा है। ये है गोवा, ये है गोवा, वो देखो बनाना राइड, सबसे खतरनाक राइड है भाई वो। भाई 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 भाई, मतलब इतना मजा आ रहा है ना यार, बीच के पास ये देख रहे हो, काफी अद्भुत काफी कमाल का बीच है। हाय 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 हाय, लव है भाई लव, देखो हाय हाय जो वेव आती है ना, बीच काफी अच्छा लगता है। अभी देखो लहर तो आ रही है और अपन फुल मजे कर रहे हैं। आने दो लहर को, आने दो, बड़ा आलम नहीं आ रहा है, रुक जा आ रहा है। अरे भाई
बड़ा वाला आ रहा, ये बड़ा वाला आ रहा। जिग्नेश भाई कैसा लग रहा है गोवा में? अकेले आके मजे ले गया साले, शर्म आ रही है तेरे को? तेरे को भी अंदर जाने का है क्या? कुत्ता कुत्ता मजा ले रहा है भाई, कुत्ता मजा ले रहा है। तू काहे को मजा नहीं ले सकता, जब एक कुत्ता मजा ले सकता है। बैग नीचे रख। देखिए तो सिकेरियम बीच हम लोग घूम लिए हैं, चाहे तो हम लोग यहाँ से पैदल पैदल कैंडलिंग बीच की ओर जा सकते थे, लेकिन हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी बॉस। वरना मैं और जिग्नेश ऐसे है ना भाई कि पैदल पैदल कितने भी दूर तक जा सकते हैं, कितने भी दूर तक। हम लोग सोच रहे थे कि पहले पैदल पैदल चले जाते हैं, लेकिन फिर याद आया कि नहीं यार गाड़ी यहाँ पर रखी है, तो हम लोग वापस आ गए। अभी इस गाड़ी में बैठ के अपन जाने वाले कैंडलिंग बीच की ओर। तो चलो भाई, जिग्नेश भाई भी रेडी हो गए हैं विथ हिज कैमरा। ओए होए, तो जिसको भी इस रेड वाली कार में बैठने का है, जीप में बैठने का है, वो आ जाओ गोवा में, फुल मजा करते हैं और इस कार में भी बैठेंगे। और अभी हम लोग जाने वाले हैं कैंडोलिम बीच में। ये देखो यहाँ पर लिखा है कैंडोलिम, तो अभी अपन कैंडोलिम में जाने वाले हैं। आई कांट इमेजिन दिस गाइज, यहाँ पर बहुत सारे कपड़े मिल जाते हैं यार। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी सिस्टर के लिए यहाँ से कपड़े लेके जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो अपन अंदर चलते हैं और बीच के मजे लेते हैं बॉस। जिग्नेश भाई तो एकदम फुल एक्टिव होके घूम रहे हैं गोवा की गलियों में, क्या बात है। देखो यार बहुत सारे सामान है जो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, अच्छे से बजट डिसाइड करके आओगे तो मजा आएगा यहाँ पर घूमने में। अगर ऐसे ही आ जाओगे खर्चा थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लाइक अस। तो चलो अभी अपन बीच की ओर चलते हैं। काम करो, एंजॉय करो, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। तो ये चेक करिए विशु फैम, ये देखो इसको चेक करो, और ये है कैंडोलिम बीच। यस, ये बीच में थोड़ा सा रश ज्यादा है। इसके पहले जो बीच था ना जहाँ पर हम लोग गए थे, वहाँ पर उतना ज्यादा रश नहीं था, इस बीच में रश थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, देखो इस बीच में मजा आपको जरूर आएगा। अगर आप पहली बार गोवा के अंदर आ रहे हो तो ये बीच मैं रेकमेंड करता हूँ, ये बीच में मजा आएगा। एंड बागा बीच और इसके साथ साथ जो कालंगुट बीच है उसमें भी बहुत मजा आता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ आगे। लेकिन फिलहाल तो कैंडोलिम बीच को देखो और मजा लो भाई, मजा लो। नहाने का मन कर रहा है लेकिन मैं नहा नहीं सकता यार, क्योंकि वो नहाने के जो कपड़े हैं वो मैं लाया नहीं हूँ अभी, इसलिए मैं नहाऊंगा नहीं। लेकिन कल नहाने वाला हूँ, वाटर स्पोर्ट्स भी कल करने वाले हैं, तो मजा आ जाएगा। ये देखो कैमरा वैमरा लगा के भैया जी देख रहे हैं। तू नारियल अन्ना बन गया, पता नारियल अन्ना लग रहा है। नारियल लेके बेचना शुरू कर दे गोवा में भाई, अच्छा धंधा होगा, करोड़पति बन जाएगा, मजाक नहीं। ये देखो मैंने बिजनेस आइडिया भी दे दिया मस्त। तो दो बीचेस घूमने के बाद अभी हम लोगों को बहुत तेज भूख लगी है गाइस, तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए आ गए हैं। जिग्नेश भाई यहाँ पर दम बिरयानी खा रहे हैं, मैं वेज थाली खा रहा हूँ। ये देखो ये वेज थाली जो की 150 में पड़ी है, और ये जो दम बिरयानी है ये 100 rupees में पड़ी है। तो 100 and 150 हर एक चीज मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, जो भी चीज हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सारी चीज मैं बता रहा हूँ। अभी फिलहाल अपन इसको खा लेते हैं, बहुत तेज भूख लगी है भाई। तो अभी 4:30 बज चुके हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर 4:35 हो गए हैं। अभी हम लोग अपने रूम पे पहुंचे, रूम पे अभी थोड़ा सा आराम करेंगे, और फिर शाम को ना बागा बीच और कालंगुट बीच, इन दोनों बीचेस में ना बहुत ही मस्त पार्टी होती है, क्लबिंग होती है, बहुत मजा आता है। तो अभी थोड़ा देर यहाँ पर आराम करके फिर अपन जाएंगे बागा बीच की ओर और कालंगुट बीच की ओर, और वहां पर जाके अगर अपने को अपने रेंज के हिसाब से अच्छा पड़ता है तो चले जाएंगे और आराम से मजे करेंगे, और आप सभी लोगों को हर एक चीज दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा घूम लिए भाई। लॉट ऑफ बोरिंग मैथ लेटर। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो शाम के 7 बज रहे हैं, और अभी मैं और जिग्नेश दोनों के दोनों जा रहे हैं बागा बीच पे। बागा बीच और कालिंगुट बीच, ये दोनों के दोनों बीच हमारा एक्सप्लोर करने के बचे हुए हैं। वहाँ पे हम लोग इस टाइम पे इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से ऐसा सुना है कि इस टाइम पे ना वहाँ पर मार्केट लगता है, एंड इसी टाइम पे बहुत मस्त सिनेरियो हो जाता है, बहुत ही अच्छा सीन हो जाता है इन दो बीचेस का। उन बीचेस में एक्सप्लोर करना कितना कॉस्टली है एंड कितना अच्छा लगता है वहाँ पर, और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अगर आप जाते हो तो। अरे कहाँ चला गया, देख रहे हो हमेशा अलग अलग चला जाता है। अपन पहुँचते हैं जल्दी से बागा बीच पे एंड कालंगुट बीच पे, एक्सप्लोर करते हैं गोवा को, गोवा एक्सप्लोर ही कर रहे ना बॉस। तो अभी हम लोग कालंगुट बीच के पास पहुँच गए हैं, और नाइट का समय है लेकिन फिर भी देख रहे हो इतनी ज्यादा बबली है इधर, ठीक है। नाइट का समय है लेकिन फिर भी बबली एकदम ही ज्यादा है, और सबके सब मजा करने के लिए आए हैं बॉस। यहाँ पर मार्केट भी लगा हुआ है और काफी धमाकेदार मार्केट है। अगर आप सामने देखोगे उस तरफ तो उस तरफ आपको मार्केट दिखेगा जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। Oh my God, you can see how much beautiful this is, man. यहाँ पर आप सामने देख सकते हो लिखा हुआ है आई लव गोवा, यस आई लव गोवा। ये अवीना भाई साहब पार्टी वार्टी चलने वाली है, सबके सब यहाँ पर है, देखो कितनी ज्यादा पब्लिक है इधर, सबके सब। जिग्नेश भाई भी अभी मस्त स्टोरी बनाई जा रही है जिग्नेश भाई के द्वारा, क्या बात है भाई, सच्ची इतना मजा आ रहा है ना। हम लोग वहां से पैदल चलते चलते आ रहे हैं कालंगुट बीच से, और अभी बागा बीच तक हम लोग पैदल चलते हुए जाना है। पीछे
दरिया है, ठीक है, पीछे समुद्र है। और आप सभी लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि रात को ना समुद्र और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा है, सिर्फ कुछ कुछ जगह लाइट्स हैं और वो जो लाइट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। जिग्नेश भाई भी यहाँ पर एकदम लगे क्या बिजनेस ऐसा थोड़ा फटाफट मैसेज दे देगा, नंबर दे देगा। तो जितने भी ब्रांड डील्स हैं सो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी होगी वहां पर जाके मेल कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल तो गोवा में मजे कर रहे हैं, कैसा लग रहा है भाई अभी रात का माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ही लग रहा है, बुरा लगता है, अच्छा ही लग रहा है, बुरा लगता है, गोवा कभी बुरा लग सकता है यार? नहीं, बहुत अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसी चीजें जो कभी देखी नहीं है, ऐसी भी चीजें हैं यहाँ पर। दैट इज व्हाई, ये समझ गया मैं क्या बोल रहा था, आप लोग भी समझ गए, बहुत समझदार हो। देखिए तो ये है लास ओलास, जी हाँ ये है लास ओलास, आप में से बहुत से लोग इसको जानते होंगे। साहिल खान साहब की बहुत सारी पिक्चरें और बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर है लास ओलास के ऊपर, आई थिंक वो खुद ही ओन करते हैं लास ओलास को। बहुत सारे फॉर्मर्स यहाँ पर आते हैं, सेलिब्रिटीज जब भी आते हैं वो यहाँ पर विजिट करते हैं लास ओलास। अच्छा ठीक है, इसके सामने खड़े हो गए आप सभी लोगों को दिखाओ लास ओलास को, तो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, देखो यार यहाँ पे, और लास ओलास को दिखा रहा हूँ। जिग्नेश भाई ये देखो फिर फोन में लगा हुआ है, अरे भाई हो गया ना, अभी इंजॉय करने के लिए आया तो काय को इतना बिजनेस में लगे रहने का। सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मस्त माहौल है, काम करो इंजॉय करो, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। तो अभी रात के 11:30 बज चुके हैं, ये देखो 11:25 हो गए हैं, अभी थोड़ी ही देर पहले यानी कि 11 बजे के समथिंग हम लोग यहाँ पर पहुंच गए थे, खाना पीना एकदम खा लिया, पूरा का पूरा सेट हो गए और अभी सोना है यार। लेकिन सोने से पहले आप सभी लोगों के लिए एडिटिंग करनी पड़ेगी ताकि व्लॉग टाइम से आ जाए। इसी के साथ अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट करके जाना यार, लाइक और कमेंट कर दिया करो। और हाँ, इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो जाके जल्दी से फॉलो करो @devishaldave, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा। 11 बजे मेरा व्लॉग, संडे को 11 बजे जिग्नेश भाई का व्लॉग आ जाएगा, तो जाने का, देखने का, मजा करने का और ऐश करने का। जमे रहिए, बने रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, विशाल दवे को विदा दीजिए, जय श्री कृष्णा। तो कल के अमेजिंग व्लॉग में फिर से आप सभी लोगों से मुलाकात हो जाएगी, बाय बाय।